अभी थोड़ा हम लोग जनरली बात कर ले, ठीक है? हेलो जी, प्लस है प्लस। हम लोग चुनाव जीतते हैं, ये जो चुनाव है लोकसभा का, ये मेरे ख्याल से सिवान की जनता का चुनाव है और जनता ही इस चुनाव को लड़ेगी और वही जवाब देगी आने वाले दिन में। अगर हम लोग जीतते हैं तो देखिएगा कि एक महिला का दावा है कि हम कैसे और कहां से विकास का काम शुरू करेंगे और कैसे अपनी दलित शोषित और पिछड़ों के कंधे से कंधे मिलाकर और उनकी मैं आवाज बनकर उनकी मैं सेवा करूंगी। कैंपेनिंग कर रहे हैं, क्या मिल रहा है आपको? हर जगह तो हम तो ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, हम तो चाहते भी नहीं है कि उन लोगों का नाम लें और उन लोगों के बारे में कुछ कहें, क्योंकि मैं तो यही कहूंगी ना कि हमारे जिला के वो भी हैं, तो ये तो हमारी जनता जनार्दन ही इस विकास के बारे में जवाब देगी और जो उन्होंने विकास किया है वो सबके सामने है। उन्होंने अपने सिवान जिला का जो उनको 50 करोड़ हुआ, 10 साल वो है सांसद, 50 करोड़ हुआ ना, 5 करोड़ हर साल का मिलता है, तो 50 करोड़ में आज हमारा सिवान कहां से कहां गया रहता। अगर आज वो तहे दिल से सिवान के जनता जनार्दन की सेवा किए रहते, उनके बारे में सोचे रहते, हॉस्पिटल की व्यवस्था सही किए रहते, हर गरीब दुखियारे को वहाँ पे हॉस्पिटल में दवाएं मिलती, जो ब्लॉक पे हॉस्पिटल है उन्हें भी वहाँ पे डॉक्टर मुहैया होता और जो सरकारी योजना के तहत वहाँ दवाएं आती हैं वो भी वहाँ पे मौजूद रहता और हमारे गरीब दुखियारे को मिलता, तो आज हमारे गरीब दुखियारे के आंख से आंसू नहीं गिरता और हमारे जिले का जो हक हकूक का जो फंड आता है काम करने के लिए वो दूसरे जिले में उन्होंने दिया है, तो क्यों दिया है उन्होंने? वो अपने सिवान जिला को इतना ज्यादा विकसित कर दिए कि यहाँ पे काम की कोई जरूरत ही नहीं थी, पैसे लगाने की कोई जरूरत ही नहीं थी और उठा के उन्होंने दूसरे जिलों को दे दिया। तो ये है विकास। जनता के बीच मैं मुद्दों को लेकर नहीं जा रही हूँ, उनके दर्द और दुख को लेकर जा रही हूँ, जो वो इतने दुखी हैं, जो हमारे दलित शोषित बहनें हैं भाई हैं जो बहुत दुखी हैं, जिन तक सारी सुविधाएं मुहैया होनी चाहिए थी। हमारे मुखिया बिहार सरकार के नीतीश जी, उन्होंने 7 निश्चय योजना चलाई, कहाँ तक योजना सफल है? आप लोग भी मीडिया बंधु हैं, आप लोग भी गली गली मोहल्ले मोहल्ले जाते हैं, देखते हैं कितनी योजनाएं सफल हैं। वो जो कहते हैं ना सिवान को घोषणा कर दी गई ये शौचालय मुक्त से ODF हो गया, और मैं जाती हूँ उन गरीब शोषित और दुखियारी भाई बहनों के पास, तो उन लोगों ने कहते हैं कि हमें पैसा ही नहीं मिला, हमारे यहाँ शौचालय ही नहीं है, आप देख लीजिए। जैसी बात है मैं उनके दरवाजे पे जाती हूँ तो कहीं मुझे शौचालय नहीं दिखता है, ऐसी जगह दिखता है जहां जिनको जरूरत नहीं थी, जिनके पास पहले से था, अच्छे घरों के सामने मुझे शौचालय दिखता है और रंग बिरंगा पेंट दिखता है, और जहां जरूरत थी वहां तो मिला ही नहीं, और मिला तो उसमें 12,000 रुपये में, अगर किसी गरीब हमारी बहन को मिला भी है तो उसमें 12,000 में 3,000 रुपया तो दलाली खा जाते हैं, बकिया बचा 9,000 में। इतनी महंगाई के दौर में क्या वो आज 9,000 रुपया टाली ईटा है, एक टाली तो मुश्किल से एक छोटे से शौचालय में लग ही जाएगा ना, उससे भी ज्यादा लगेगा, और उसके बाद आप सीमेंट बालू गिट्टी रड ये सब उसमें हो जाएगा। योजना तो बहुत चलाते हैं सभी लोग और सफलता भी दिखाते हैं कि सारी सफलताएं मिल गई, लेकिन हमें तो नहीं दिख रहा है कि सारे योजनाएं वहां कामयाब हुए हैं। उसी तरह नल जल योजना चल रहे हैं, आजकल गली गली मोहल्ले मोहल्ले में एक वार्ड को 18 लाख रुपया मिल रहा है काम कराने के लिए, और एक वार्ड में कितने घर होते हैं, कितने घर होते होंगे, मुश्किल से 50 घर होते होंगे एक वार्ड में, एक ज्यादा होते हैं, मतलब 100-200 घर होते हैं,
तो अगर उसी पैसे से अगर दो घर के बीच में भी एक हैंड पाइप काट दिया जाता 150 फीट का भी, तो वो लोग कम से कम 10 से 20 साल तक आराम से उससे पानी पीते साफ सुथरा से। और ये जो नल जल योजना का जो आप पाइप छू के देखे हैं कभी, इतना कमजोर पाइप है जो जमीन में डाली जा रही है, जो किसी पाइप के सहारे नहीं डाली जा रही, डायरेक्ट उसको खोदा जा रहा है, मिट्टी में डाला जा रहा है। और कहीं पे वो साटने वाला अब वो केमिकल भी आ गया है, कहीं पे वो पाइप कट भी जा रहा है तो उसको केमिकल से साटा जा रहा है। क्या गारंटी है कि जब ये योजना का लाभ शुरू होगा, अभी तो कहीं लाभ शुरू नहीं हुआ, सिर्फ बिछाए जा रहे हैं पाइप, और उसमें देखिएगा कि कितने करोड़ों का घोटाला सामने आएगा। अब बहुत जल्द ये चीज सामने आने वाला है, जिसमें शौचालय घोटाला भी आएगा, नल जल योजना का भी घोटाला आएगा सामने, और तब देखिएगा कितने लोग इसमें लिप्त मिलेंगे। और जब घोटाले की बात आएगी तो लोग सभी लोग भूकर जाएंगे, सभी लोग अपने पल्ला को झाड़ लेंगे कि हमने तो कर दिया, हमने तो दे दिया। चलिए मैडम, आज सभी महिलाओं को से ये अपील करना चाहते हैं कि आप किसी पुरुष से अपने आप को कम न समझें, और अपने बच्चियों को शिक्षित करें और उन्हें स्वावलंबित करें, और उन्हें स्वयं रक्षा करने के लिए उस साहसी बनाए, ताकि आने वाले जो हमारे दिन है, जो इस देश के भविष्य है, उसमें हमारी बच्चियों की साझेदारी हो, और किसी भी इसमें काम में, किसी भी छोटे बड़े महकमे में वो जाए और अपने आप को पुरुष के बराबरी पाए। मैडम एक सवाल।